अगले फंक्शन में वो अपने डेटाबेस से ये चेक करेगा या आप चेक करेंगे कि जो कस्टमर या क्लाइंट्स आपके पास आया है वो न्यू है या रिपीट हुआ है, ठीक है ना। बीइंग अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर इंग्लिश में लिखें, यू विल चेक द गेस्ट आइडेंटिफिकेशन आइदर ही इज न्यू गेस्ट और रिपीट, कि ये नया गेस्ट है या फिर अगेन जो है वो उस इदारे के अंदर यानी कि आपके होटल के अंदर दोबारा आया। यू विल चेक द कस्टम गेस्ट आइडेंटिटी फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि आपके फ्रंट डेस्क ऑफिसर के पास एक डेटाबेस मौजूद होगा, होटल मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर उसका उसका कस्टमर का रिकॉर्ड मौजूद होगा। जब आप जैसे वो रिकॉर्ड डालते हैं तो उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपके सामने आ जाता है। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर चेकआउट के दौरान आपकी कोई पेमेंट उसके पास रह गई हो तो ऐट द टाइम ऑफ द अगेन चेक इन आप उसे वो ले सकते हैं, और अगर आपने देनी हो तो आप वो उसके साथ सेटल कर सकते हैं न्यू चेक इन के साथ, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपके अपने डेटाबेस से चेक किया कि ये जो ला रहा है वहाँ पर होटल में स्टे करने के लिए गई हैं ये न्यू हैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम होटल में आई हैं या फिर वो रिपीट हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए,